नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज बुलबुल के ट्रेलर का। और दोस्तों ट्रेलर काफी मिस्ट्री और हॉरर से भरा हुआ लग रहा है और इस मूवी की कहानी पश्चिम बंगाल में सेटअप है दोस्तों। वही दोस्तों इस मूवी को भी अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनाया गया है जिसका नाम क्लीन स्लेट्स फिल्म्स है। हाल ही में इसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले पाताल लोक वेब सीरीज को भी बनाया गया था जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक के द्वारा। और अब उसी प्रोडक्शन हाउस ने इस मूवी को भी बनाया है जो कि दोस्तों ये मूवी 24 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। अनुष्का शर्मा इस वक्त भले ही एक्टिंग ना कर रही हो लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पर वह काफी सक्रिय हैं। वही दोस्तों ट्रेलर की बात करें तो दोस्तों ट्रेलर थ्रिलर और हॉरर टाइप का लग रहा है जिसमें आपको एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। होस्ट स्टोरीज और बेताल के बाद यह नेटफ्लिक्स की ऐसी फिल्म है जिसमें आपको काफी सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। हालांकि बुलबुल का ट्रेलर काफी रोचक और इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ट्रेलर में बुलबुल और सत्या की कहानी दिखाई गई है। कहानी काफी पुराने समय में है, मतलब हवेलियों और डोलियों के समय की कहानी है। अब दोस्तों कहानी में दिखाया जा रहा है कि बुलबुल को सत्या से मोहब्बत हो जाती है लेकिन बचपन में ही उसकी शादी महेंद्र से हो जाती है। हालांकि लंबे समय तक बुलबुल और सत्या मिलते रहते हैं। एक दिन सत्या कहीं चला जाता है। जब वह 5 साल बाद लौट कर आता है तो हवेली बदल चुकी होती है और कोई चुड़ैल या आदमी सबको मार रहा है। अब महेंद्र भी मर चुका है। अब सत्या को इन सब से निपटना है लेकिन यह सब इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों मूवी में क्या कुछ और नजर आने वाला है ये तो दोस्तों हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। वही दोस्तों इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें राहुल बोस और तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं जो कि इसमें लीड रोल निभा रही हैं। और जो राहुल बोस हैं वह बुलबुल के पति महेंद्र का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही में दोस्तों इसमें अविनाश तिवारी और पावली डेम भी नजर आ रही हैं जो हाल ही में काली वेब सीरीज में भी नजर आई थी। वही दोस्तों ट्रेलर में हर कैरेक्टर को काफी दमदार दिखाया गया है। अब देखना होगा कि अनुष्का इस वेब सीरीज को लोग पाताल लोक की ही तरह इसे भी प्यार देते हैं या नहीं। वही दोस्तों ट्रेलर में 19वीं और 20वीं सदी की कहानी को भी दिखाया गया है जब पुरानी पुरानी हवेली है और पुराने लोग कैसे होते थे ये इस ट्रेलर में साफ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों इसमें बंगाली टाइप ड्रेसअप भी बहुत अच्छा दिखाया गया है। पुराने समय में जमींदार लोग कैसे होते थे बंगाल में और उनका मेकअप ड्रेसिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ट्रेलर रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और आप कितना एक्साइटेड है बुलबुल मूवी के लिए मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं ऐसी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।